सो दोस्तों, वैशाख की पूर्णिमा 15 मई को है। वैशाख की आखिरी पूर्णिमा है, बड़ी पूर्णिमा है। इस दिन यह उपाय बहुत सरल है, आप कर लीजिएगा। गुरु जी पंडित जी ने पहले की कथाओं में बताया है, उन्हें सुनकर ही मैं आपको बता रही हूँ। इस चैनल पर जितने भी उपाय बताए जाते हैं वो गुरु जी ने ही बताए हैं, वही उपाय आपको समझाने की कोशिश की जाती है। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो स्वागत है आपका मोदीती ऑफिशियल चैनल पर। तो पहले समझ लेते हैं करना कैसे उपाय को, फिर हम आखिरी बता देंगे ये उपाय करने से हमें क्या लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, हमें चाहिए 1 कलश जल और 1 बेलपत्री। हम क्या करेंगे, सीधे हाथ की हथेली पर पहले रखेंगे बेलपत्री और उसी के ऊपर रख लेंगे कलश। ठीक है, अब इसको आपको पूरे घर में भ्रमण करते हुए घुमाते हुए आपको जाना है आपके घर के पास के शिवालय में, शिव मंदिर में, जो भी आपके घर के पास हो वहीं जाना है आपको। ठीक है, अब आप जाएंगे तो आप पहले चढ़ाएंगे जल। जल चढ़ाएंगे तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, नाम लेते हुए चढ़ाना है। फिर आपको अपनी कामना कहते हुए बेलपत्री को समर्पित करना है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, थोड़ा जल झेल कर लाएंगे। जो जल झेल कर लाएंगे, बचा कर लाएंगे, झेल कर लाएंगे, उस जल को पूरे घर में छिड़क देना है। अब इस उपाय को करने से हमें क्या लाभ होगा, पहला लाभ तो यह होगा अगर घर में कोई शुभ कार्य नहीं हो रहा है तो शुभ कार्य होने लगेगा। दूसरा, धन पैसा घर में टिकने लगेगा। तीसरा, व्यापार नहीं चल रहा है, ठप पड़ा है, व्यापार वृद्धि हो जाएगी। मात्र 3 दिन भी बहुत हो गए, 3 दिन के अंदर ही अंदर आपकी कामना पूरी हो जाएगी। बहुत सरल उपाय है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर, और हाँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा। और कुछ जानकारी जानना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भी मुझसे पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।